अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एपिसोड 22 ऑफ कानूनदान्स वीकली केस लॉ बुलेटिन। हर हफ्ते की तरह इस एपिसोड में भी हम लास्ट वीक में डिसाइड किए गए मेजर जजमेंट्स को आप तक पहुंचाएंगे और इनमें रेस किए गए मेन पॉइंट्स को एनालाइज करेंगे। तो आइए लेट्स बिगिन विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी वर्सेस सैयद सलाहुद्दीन एंड अदर्स। ये केस सुप्रीम कोर्ट में एक सिविल अपील के तौर पर पेश किया गया। इस केस के फैक्ट्स पर रिस्पोंडेंट्स कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के एम्प्लॉइज थे, जिन्होंने अपेलेंट कंपनी के कुछ एम्प्लॉइज की प्रमोशन से मुतलक डिसीजंस को चैलेंज किया। इस पर्पस के लिए रिस्पोंडेंट्स ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन को इन्वोक किया और हाई कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया। अब अपेलेंट्स ने हाई कोर्ट के इस डिसीजन को चैलेंज किया। इस केस में मेन इशू ये था कि जब किसी ऐसी कंपनी जिसके मुतालिक कोई स्टैट्यूटरी रूल्स ना हो और इसके एम्प्लॉइज के दरमियान कोई डिस्प्यूट अराइज करे, तो क्या वो एम्प्लॉइज कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन जुरिस्डिक्शन को इन्वोक कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को अलाउ करते हुए केस के फैक्ट्स को डिटेल में एनालाइज किया। कोर्ट के मुताबिक अपेलेंट्स यानी कि कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी कंपनीज ऑर्डिनेंस के नीचे इनकॉर्पोरेटेड थी, जिसकी वजह से ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी थी। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के कोई भी स्टैट्यूटरी रूल्स नहीं थे, इसीलिए इस कंपनी और इसके एम्प्लॉइज के दरमियान अगर कोई मसला हो तो इस पर हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन इन्वोक नहीं हो सकती। ये बात सच थी कि कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने वापटा के स्टैट्यूटरी रूल्स को अडॉप्ट किया हुआ था। अलबत्ता ये रूल्स कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के अपने इंटरनल रूल्स के तौर पर थे और इसकी वजह से ये स्टैट्यूटरी नहीं बन सकते थे। इस कॉन्टेक्स्ट में ऐसा डिस्प्यूट मास्टर और सर्वेंट के कॉन्सेप्ट के तहत गवर्न होगा, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में। डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन फाटा थ्रू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाटा पेशावर एंड अदर्स एक्सेट्रा अगेंस्ट डॉक्टर लाल मरजान एंड अदर एक्सेट्रा। इंस्टेंट अपील्स के जरिए अपेलेंट्स ने उन जजमेंट्स को चैलेंज किया है जो पेशावर हाई कोर्ट ने पास की हैं, जिनमें रिस्पोंडेंट्स की रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विसेज की प्रेयर को अलाउ किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने तीन सवाल थे। पहला ये कि क्या हाई कोर्ट फाटा पे केपी एम्प्लॉयज़ एक्ट 2009 अप्लाई कर सकता है। दूसरा ये कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की 25th अमेंडमेंट का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है और रिस्पोंडेंट को कोई बेनिफिट मिल सकता है। और आखिरी ये कि क्या हाई कोर्ट के पास एक ट्राइबल एरिया में जुरिस्डिक्शन है। जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने पहले सवाल पे कहा कि हाई कोर्ट फाटा पे केपी एम्प्लॉयज़ एक्ट 2009 अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसके प्रियम्बल में उसका पर्पस और स्कोप क्लियरली स्टेटेड है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के प्रोविंस के सर्टन कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए है। दूसरा ये कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की 25th अमेंडमेंट का कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं और ऐसा करने से सिर्फ फ्लडगेट्स ऑफ लिटिगेशन होंगी। और आखिरी ये कि हाई कोर्ट के पास एक ट्राइबल एरिया में जुरिस्डिक्शन नहीं है अनलेस पार्लियामेंट ने दी ना हो और ये इंश्राइंड है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 247 में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, फवाद अहमद मुख्तार एंड अदर्स वर्सेस द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जोन 2 रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान एटसेट्रा। ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने क्रॉस अपील्स के तौर पर पेश किए गए। इस केस में टैक्स पेयर्स यानी कि अपेलेंट्स पाक अरब फर्टिलाइजर कंपनी के शेयर होल्डर्स थे। पाक अरब कंपनी फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी में कुछ शेयर्स ओन करते थे, जो कि पाक अरब कंपनी ने टैक्स पेयर्स के नाम ट्रांसफर करवा दिए। इस ट्रांसफर को पाक अरब कंपनी ने अपनी कंपनी बुक्स में पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन स्पीसी के तौर पर रिकॉर्ड किया। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 150 के मुताबिक जब भी कोई कंपनी कोई डिविडेंड पे करे तो उसे ग्रोस अमाउंट में से फर्स्ट स्केड्यूल के मुताबिक टैक्स काटना होता है। पाक अरब कंपनी ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनके मुताबिक उन्होंने टैक्स पेयर को डिविडेंड दिया था, जो कि ऑर्डिनेंस के तहत पेमेंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता और लिहाजा इस पर टैक्स नहीं लगता। अलबत्ता टैक्स डिपार्टमेंट ने इस चीज के साथ अग्री नहीं किया और उन्होंने ऑर्डिनेंस के सेक्शन 161 के तहत पाक अरब के खिलाफ प्रोसीडिंग स्टार्ट की, जिसमें वो हार गए। अब अपेलेंट्स के मुताबिक उन्हें ऑर्डिनेंस के सेकंड स्केड्यूल के पार्ट 1 के सेक्शन 103(b) के मुताबिक एक्सेप्शन मिलनी चाहिए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने चार मेन इश्यूज थे। पहला इशू ये था कि क्या डिविडेंड लव्स इनकम लव्स की मीनिंग में फॉल करता है। सेकंड इशू ये था कि क्या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 103(b) का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। तीसरा इशू ये था कि क्या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 103(b) एक एब्सोल्यूट या मुकम्मल एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है। लास्ट इशू ये था कि इसी ऑर्डिनेंस के सेक्शन 5 और 150 किस तरह ऑपरेट करते हैं। केस के पहले इशू के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लफ्ज़ इनकम को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मकासद के लिए बहुत वाइड सेंस में इंटरप्रेट करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में तो इनकम को और भी वसी तरीके से डिफाइन किया गया है। ऑर्डिनेंस के सेक्शन 2 सबसेक्शन 29 में इनकम की डेफिनेशन भी इंक्लूसिव है और सेक्शन 2 सबसेक्शन 19 में डिविडेंड को भी ब्रॉडली डिफाइन किया गया है।
इसीलिए डिविडेंड इन स्पीसी क्लियरली क्लॉज ए के स्कोप में शामिल है। डिविडेंड एक ऐसी टर्म है जो कि इससे भी ज्यादा ब्रॉड टर्म इनकम के अंदर फॉल करती है। अगर डिविडेंड पैसों के तौर पर पे किया जाए तो ये डेफिनेटली इनकम कंसिडर होगा। केस के सेकेंड इशू के मुताबिक ये टैक्स लॉ का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि हर टैक्स ईयर एक अलग साल कंसिडर होता है और इस पर सिर्फ उसी साल का रेलिवेंट लॉ अप्लाई होता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में क्लॉज 103B फाइनेंस एक्ट 2010 के थ्रू इंसर्ट किया गया और इसका कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। कोई भी प्रोविजन सिर्फ इस बेसिस पर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हासिल नहीं कर सकती कि वो फायदेमंद या एक बेनिफिशियल प्रोविजन है। इस क्लॉज में कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं थी कि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होना चाहिए। केस के थर्ड इशू पर कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 103B में दी गई एक्सेप्शन सिर्फ तब अप्लाई होती है जब तक शेयर्स इन क्वेश्चन डिस्पोज ना किए जाए, वरना इन शेयर्स पर टैक्स लायबिलिटी सिर्फ कुछ अरसे के लिए डिले होती है लेकिन लागू जरूर होती है। फिर जब इन शेयर्स को डिस्पोज किया जाए तो इन पर इस सेक्शन के मुताबिक लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। कोर्ट के मुताबिक क्लॉज 103B को पढ़ने का बेहतरीन तरीका यह है कि इसे सेकंड स्केड्यूल के पार्ट्स 1 और पार्ट 3 के कॉम्बिनेशन के तौर पर इंटरप्रेट किया जाए। सेक्शन 103B पर पहले पार्ट 1 अप्लाई होता है और फिर कुछ देर बाद पार्ट 3। केस के लास्ट इशू के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि ऑर्डिनेंस का सेक्शन 5 एक पर्सन को कंपनी के जानिब से डिविडेंड रिसीव होने की बात करता है, दूसरी जानिब सेक्शन 150 कंपनी की डिविडेंड पे करने की बात करता है। इन दोनों सेक्शंस के दरमियान कोई कंपैरिजन नहीं बनता क्योंकि सेक्शन 5 एक जनरल एक्सप्रेशन है जबकि सेक्शन 150 सिर्फ पेड डिविडेंड के ऊपर टैक्स की बात करता है। अगर किसी केस के फैक्ट्स पर सेक्शन 150 की मखसूस प्रोविजंस अप्लाई ना करे तो केस जनरल प्रोविजंस के नीचे डिसाइड होगा। इंडिपेंडेंट मीडिया कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड अगेंस्ट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एंड अदर्स, ब्लिट्स एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड अगेंस्ट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एंड अदर्स, पिटिशनर ने उस जॉइंट वेंचर की लीगैलिटी को क्वेश्चन किया जो PTVC ने दो प्राइवेट एंटिटीज़ के साथ फॉर्म किया, इस प्ली के साथ कि PTVC बगैर उनसे या बाकी ब्रॉडकास्टर से पूछे डायरेक्टली ARY ग्रुप M के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे। अब अदालत के सामने दो सवाल थे, पहला ये कि क्या PTVC को एज एन एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्ड किया जा सकता है जो फेडरेशन या प्रोविंस के अफेयर्स के कनेक्शन में फंक्शंस परफॉर्म करे, और दूसरा ये कि क्या गवर्नमेंट या उसकी इंस्ट्रूमेंटैलिटीज़ या एजेंसी की कमर्शियल ट्रांजैक्शंस जुडिशियल रिव्यू के अंडर लाई जा सकती हैं। जस्टिस शाहिद वहीद ने पहले सवाल पे कहा कि क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फुल कंट्रोल है PTVC की वर्किंग पे, लिहाजा उसे एज एन एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्ड किया जा सकता है जो फेडरेशन या प्रोविंस के अफेयर्स के कनेक्शन में फंक्शंस परफॉर्म करे। दूसरे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जुडिशियल रिव्यू की पावर के अंडर अदालत एज अ कोर्ट ऑफ अपील नहीं बैठती बल्कि गवर्नमेंट या उसकी इंस्ट्रूमेंटैलिटीज़ या एजेंसी की कमर्शियल ट्रांजैक्शन को सिर्फ रिव्यू करती है जब वो मिलिशियस हों या स्टैट्यूटरी पावर्स को मिसयूज़ करें। 2022 CLC 308 गुल साहिब खान वर्सेज अब्दुल राशिद खान, पेशावर हाई कोर्ट। ये केस पेशावर हाई कोर्ट के सामने एक रिट पिटिशन के तौर पर पेश किया गया। इस केस के फैक्ट्स पर रिस्पोंडेंट्स ने प्रोडक्शन और रिकवरी के लिए सूट्स फाइल किए। इस सूट में पिटिशनर्स को रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए भी बुलाया गया और उनका ऐसा ना करने पर उनके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीड करके सूट डिक्री कर दिया गया। इस सिलसिले में पिटिशनर्स ने एक रिविजन पिटिशन फाइल की जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के एक मेंबर ने डिसमिस कर दी। इस केस में कोर्ट के सामने एक ही मेन इशू था, वो ये कि क्या लिमिटेशन पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए वो दिन भी काउंट होना चाहिए जिस पर ऑर्डर अनाउंस किया हो। इस केस में पिटिशनर्स के खिलाफ पहली डिक्री 17 जुलाई 2019 को पास की गई और इसे 16 अगस्त 2019 पर डिप्टी कमिश्नर बन्नू के सामने अपील किया गया, लेकिन इसे टाइम बार होने की वजह से डिसमिस कर दिया गया। इस पिटिशन को अलाउ करते हुए कोर्ट ने कहा कि जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 के सेक्शन 9 के तहत ऑर्डर के अनाउंसमेंट की डेट को एक्सक्लूड करके अगले दिन से लिमिटेशन पीरियड कैलकुलेट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात 2002 SCMR 264 में कन्फर्म की। क्योंकि इस केस में पिटिशन को सबसे पहले लेवल पर ही टाइम बार्ड होने की वजह से डिसमिस किया गया था, इस पिटिशन को अलाउ कर दिया गया। इस हिसाब से पिटिशनर्स की अपील 30th डे पर फाइल की गई और टाइम लिमिट के अंदर होने की वजह से इसे डिसमिस नहीं किया जा सकता था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड अगेंस्ट चौधरी नजर मोहम्मद एंड अदर्स, अपेलेंट बैंक ने सूट फॉर रिकवरी में ट्रायल कोर्ट के सामने एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट फाइल की जो कि RFA के साथ डिसमिस हो गई, जबकि अपेलेंट ने अगस्त कोर्ट के सामने जो सिविल पिटिशन फाइल की थी वो विड्रॉ कर ली, लिहाजा अपेलेंट का सूट पार्टली डिक्रीड था और पार्टली डिसमिस्ड। एग्रीव होकर अपेलेंट ने इंस्टेंट अपील फाइल की जिसमें उसने अमेंडमेंट एप्लीकेशन के डिसमिसल को भी चैलेंज किया।
अब अदालत के सामने दो सवाल थे, पहला ये कि क्या पार्टीज़ प्लीडिंग्स के बियॉन्ड जा सकती हैं, दूसरा ये कि क्या डिले एक इंसान को प्लीडिंग्स में अमेंडमेंट सीक करने से डिसइंटाइटल कर देता है। जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी और जस्टिस आबिद अजीज शेख ने पहले सवाल पे कहा कि ये सेटल्ड लॉ है कि पार्टीज़ प्लीडिंग्स के बियॉन्ड नहीं जा सकती, और दूसरा ये कि ज़रूरी नहीं कि डिले एक इंसान को प्लीडिंग्स में अमेंडमेंट सीक करने से डिसइंटाइटल कर दे, ये कोर्ट की डिस्क्रेशन पे है। 2022 CLC 340 हमीदुल्ला वर्सेस अली अरशद एंड अनदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एक रिट पिटीशन के तौर पर पेश किया गया। इस केस में रिस्पोंडेंट ने पिटीशनर के खिलाफ CPC के ऑर्डर 37 के नीचे एक सूट फॉर रिकवरी फाइल किया। पिटीशनर इस सूट के लिए अपेयर नहीं हुए और 2 फरवरी 2019 को उनके खिलाफ एक्स पार्टी जजमेंट पास कर दी गई। इस केस के फैक्ट्स पर पिटिशनर ने फिर एक एप्लीकेशन टू सेट असाइड एक्स पार्टी डिक्री और एक एप्लीकेशन फॉर लीव टू डिफेंड सूट फाइल की, लेकिन इन दोनों को टाइम बार्ड होने की वजह से डिसमिस कर दिया गया। इस केस में कोर्ट के सामने मेन इशू ये था कि क्या CPC के ऑर्डर 37 के रूल 4 के तहत फाइल किए गए सूट पर लिमिटेशन एक्ट 1908 का आर्टिकल 181 लगेगा या फिर आर्टिकल 164। अब लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 164 के तहत एक जजमेंट के खिलाफ अपील फाइल करने का लिमिटेशन पीरियड 30 दिन था। दूसरी तरफ आर्टिकल 181 के तहत अगर किसी भी प्रोविजन में कोई लिमिटेशन पीरियड मेंशन ना हो तो ये पीरियड 3 साल होता है। पिटिशनर्स के मुताबिक लोअर कोर्ट्स ने गलत तरीके से उनके केस पर 30 दिन का लिमिटेशन पीरियड अप्लाई किया। इस अपील को अलाउ करते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रेजेंट केस के फैक्ट्स पर एप्लीकेशन टू सेट असाइड एक्स पार्टी डिक्री ऑर्डर 37 के रूल 4 के नीचे थी, ना कि ऑर्डर 9 रूल 13। वो इसलिए क्योंकि ऑर्डर 9 तब अप्लाई करता है जब लीव टू डिफेंड ग्रांट की गई हो और तब क्लेमेंट के खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स जारी की गई हो। इस सिचुएशन में आर्टिकल 164 का 30 दिन का लिमिटेशन पीरियड ही लगता है। अलबत्ता प्रेजेंट केस में पिटिशनर्स ने लीव टू डिफेंड सूट की एप्लीकेशन भी फाइल की और ये ऑर्डर 37 के रूल 4 के नीचे थी, जिसके साथ एक्ट में कोई भी फिक्स्ड लिमिटेशन पीरियड नहीं था। इसीलिए प्रेजेंट केस के फैक्ट्स पर जहां लीव टू डिफेंड सूट ग्रांट नहीं की गई थी, आर्टिकल 181 अप्लाई करेगा, जिसका लिमिटेशन पीरियड 3 साल था। चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध इन द मैटर ऑफ मोहम्मद शफी सिद्दीकी। ये इंस्टेंट सिविल रेफरेंस अदालत के सामने पेश हुई है अंडर सेक्शन 57 ऑफ द स्टैम्प एक्ट 1899। अदालत के सामने सवाल ये था कि सेक्शन 32 के अंडर जो एडजुडिकेशन कलेक्टर चीफ इंस्पेक्टर ऑफ स्टैम्प्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध ने की है, क्या वो फाइनल है, और दूसरा ये कि प्रेजेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ कन्वेंस डीड में जो स्टैम्प ड्यूटी है, क्या वो प्रीवियस ट्रांजैक्शन में डिक्लेयर्ड वैल्यू जो डीड ऑफ रिलिंक्विशमेंट के थ्रू हुई है उसके हिसाब से कैलकुलेट हो सकती है। जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, जस्टिस मोहम्मद जुनेद गाफिर और जस्टिस उमर सियाल ने कहा कि एक रेफरेंस मेंटेन करने के लिए स्टैम्प एक्ट के सेक्शन 56 की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर एक कलेक्टर जो कि सेक्शन 31 या 4041 के अंडर एक्ट कर रहा है, वो जिस अमाउंट ऑफ ड्यूटी से कोई इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल है उसके हवाले से कोई डाउट विजुलाइज करे, तो वो एक स्टेटमेंट ड्रॉ कर सकता है और अपने ओपिनियन के साथ उसे चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी को रेफ़र कर सकता है, और ऐसी स्टेटमेंट पे अथॉरिटी केस कंसिडर करेगी और अपने डिसीजन की एक कॉपी कलेक्टर को वापस भेजेगी ताकि वो इसकी रोशनी में ड्यूटी असेस और चार्ज करें। रिकॉर्ड से साबित है कि इस केस में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं रीच हुई। अदालत ने मिसेज निगत साइमी अगेंस्ट प्रोविंस ऑफ सिंध के केस का हवाला भी दिया। लिहाजा कोर्ट ने कहा कि इम्पाउंडेड डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटिव बेनिफिशरी को रिलीज किए जाएं, क्योंकि सेक्शन 32 की टर्म्स में कलेक्टर की एडजुडिकेशन सिर्फ सेक्शन 27A के अंडर वैल्यूएशन टेबल की टर्म्स में रिक्वायर्ड है। लाहौर हाई कोर्ट, आसमा परवीन वर्सेस द सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन। ये केस एक इंट्रा कोर्ट अपील के तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के सामने पेश किया गया। इस केस के फैक्ट्स पर अपेलेंट एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय थी, जिन्हें अपनी बुरी कारकर्दगी और अनसैटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रिपोर्ट की बेसिस पर डिसमिस कर दिया गया। अपेलेंट ने अपने इस निकाले जाने को मुख्तलिफ फोरम्स पर चैलेंज किया, लेकिन उन्होंने इससे मुतल्लिक काफी की फैक्ट्स छुपाए। इस केस में कोर्ट के सामने दो मेन इशूज थे। पहला इशू ये था कि क्या वो शख्स जो कि कोर्ट की एक्स्ट्रॉर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन को इन्वोक करना चाहता है, उसका कोर्ट के पास क्लीन हैंड्स के साथ आना लाजमी था। दूसरा इशू ये था कि क्या एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई अपनी रीइंस्टेटमेंट या एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन को इन्वोक कर सकता है। इस अपील को डिसमिस करते हुए कोर्ट ने कहा कि एक लाजमी कंडीशन है कि अगर कोई शख्स कोर्ट की इक्विटेबल ज्यूरिसडिक्शन को इन्वोक करना चाहता हो तो उसे कोर्ट के पास क्लीन हैंड्स के साथ आना चाहिए।
कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 199 के तहत कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन जुरिस्डिक्शन डिस्क्रेशनरी और इक्विटेबल नेचर की है और इसके लिए क्लेमेंट का बेकसूर होना लाजमी है। केस के फैक्ट्स को कंसील करना कोर्ट के इस इक्विटेबल जुरिस्डिक्शन के खिलाफ जाता है। केस के दूसरे इशू पर कोर्ट ने कहा कि जहां एक क्लेमेंट एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में था तो ऐसे एम्प्लॉई और गवर्नमेंट अथॉरिटी के दरमियान मास्टर और सर्वेंट का प्रिंसिपल अप्लाई करता है। एक एम्प्लॉई सिर्फ अपने एम्प्लॉई की सेटिस्फैक्शन तक ही सर्व करता है। अगर क्लेमेंट को कॉन्ट्रैक्ट की एक्सटेंशन या ब्रीच से मुतल्लिक कोई इशू हो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन के बजाय उन्हें एक सिविल सूट फॉर डैमेजेस लाना चाहिए। इसके अलावा अगर ऐसे क्लेमेंट को किसी और लॉ के नीचे कोई एफिकेशियस रेमेडी मिले तो भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन लाने से बार थे। चर्च मिशनरी ट्रस्ट एसोसिएशन थ्रू ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अगेंस्ट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स इस्लामाबाद एंड अदर्स। इस केस में पिटिशनर ने डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर को चैलेंज किया है जो रेवेन्यू अथॉरिटी को क्रिश्चियन कम्युनिटी की कम्युनल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से रेवेन्यू एंट्रीज डॉक्यूमेंट्स इशू करने से रिस्ट्रेन कर रहा है। जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ और जस्टिस नज़ीर अहमद लैंगोव ने कहा कि माइनॉरिटीज़ स्पेशली क्रिश्चियंस के पास न्यूमरस प्रॉपर्टी थी और ऐसे कई कब्जा माफिया वक्तन फवक्तन जिनके पास चर्च मिशनरी ट्रस्ट एसोसिएशन की पावर ऑफ अटर्नी थी इमर्ज कर रहे थे। हाई कोर्ट ने ये कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन ये कहकर डिसमिस कर दी कि माइनॉरिटी प्रॉपर्टी कम्युनल यूज़ के लिए मेंट थी और उसे ट्रांसफ़र या बेचा नहीं जाना चाहिए। दूसरा ये कि सब माइनॉरिटीज़ इंटाइटल थे कि उन्हें सर्टिफाइड कॉपीज़ मिले रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स की कम्युनल प्रॉपर्टी के हवाले से, पर उसे कोई खरीद नहीं सकता था। तीसरा ये कि डिप्टी कमिश्नर या कोई भी अथॉरिटी इम्पावर्ड नहीं थी कि वो ट्रांसफ़र ऑफ कम्युनल प्रॉपर्टी अप्रूव करें। चौथा ये कि सिर्फ पिटिशनर या डायोसेसेस के रिप्रेजेंटेटिव्स कम्युनल प्रॉपर्टी को सेल, ट्रांसफ़र या बाय कर सकते थे, लिहाजा इम्प्यून्ड ऑर्डर इलीगल एब इनिशियो होने की वजह से सेट असाइड हो गया था और सब जजेस और काजीज से कहा गया था कि पेंडिंग सूट्स को बलूचिस्तान प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनल प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटीज़ एक्ट 2018 की रोशनी में डिसाइड किया जाए। इसके साथ ही आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते कुछ नए केसेस के साथ।